नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। विभिन्न मांगों को लेकर AISF ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया भगवानपुर। विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को AISF भगवानपुर अंचल परिषद के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय के सामने समसा पिपरा पथ के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से पूर्व AISF के कार्यकर्ता ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय से पेट्रोल पंप तक मार्च किया। पुनः उक्त स्थल पर वापस लौटकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर तत्पश्चात मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार अपनी चुनावी वायदे में प्रत्येक वर्ष 19 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, जो दो वर्ष बीत जाने के बाद नौकरी देने की बात तो दूर, उल्टे कटौती कर रही है। वहीं पिछले 3 वर्षों से सेना की बहाली बंद है, उसे अविलंब शुरू किया जाए। बेगूसराय के कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। भगवानपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में छात्रों को विशेष सुविधाएं के तहत कागजात निर्गत किया जाए, अन्यथा AISF आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उक्त अवसर पर प्रखंड सचिव मोहम्मद कैफी, प्रखंड प्रभारी सम्राट कुमार, सहायक जिला सचिव मोहम्मद हसमत उर्फ बालाजी, प्रखंड कोषाध्यक्ष बबलू कुमार, अंचल परिषद सदस्य सुरेंद्र कुमार, रोहित कुमार, सुधीर कुमार, मोहम्मद सिराज, रूपक कुमार, मोहम्मद निहाल, मोहम्मद नाजिम, शिव कुमार, अशोक राय, मंटुन यादव आदि उपस्थित थे। भगवानपुर से विजय भारती की रिपोर्ट।